नमस्कार। आज हमने बनाया हेलो। है मलाई से सूजी का हलवा, बिल्कुल रसीला हलवा। तो चलिए सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ये लिया हमने काजू और बादाम, इसको मैंने 2 टुकड़े किए, ज़्यादा नहीं छोटा किया है। तो काजू बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, 1 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में ही हमारा अच्छा भुन जाएगा। हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इतना ही हम भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे काजू बादाम को। तब हम निकाल लेंगे, सारे काजू बादाम को निकाल लेते हैं। ये नारियल लिया है, इसको बिल्कुल पतला पतला लंबे में कट कर लिया है। इसको भी हम घी में बिल्कुल लो फ्लेम पे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इतने घी में, देखिए 2 चम्मच घी डाला था, उसी में हम भून रहे हैं। इसको भी 1 मिनट तक भून लिया है, देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए 1 चम्मच घी बचा हुआ है, इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। ये हमने सूजी लिया है, इसी कटोरी से मैं सब चीज़ आपको बताऊंगी नाप के। तो 1 कटोरी बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। तो पहले हम इतने घी में सूजी को अच्छे से भूनेंगे। देखिए भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया, बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूँ ताकि हमारी सूजी अच्छे से बिल्कुल एक बराबर भून जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे, तो बस 1 चम्मच घी और डाल देंगे। उसके बाद हम बराबर इसको चलाते रहेंगे, 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है सूजी को। पूरा मैंने 6 से 7 मिनट तक लगातार मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बिल्कुल एक बराबर हाथ चलाया है, देखिए बिल्कुल एक बराबर एक कलर होना चाहिए। तो इतना ही हम इसको भूनेंगे। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ डालते हैं। जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी डाल देंगे, पूरा 4 कटोरी डालेंगे पूरा भर के। ये 3 और ये 4। ये हमने मलाई लिया है, देखिए मलाई, इसमें हल्का सा गरम दूध डाल दिया ताकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, देखिए। तो अब हम इसको डाल देंगे, ये उसी सूजी जितना लिया था उसका आधा मलाई है। जितना सूजी था उतना ही हम चीनी डाल देंगे। अब एक बार अगर उबाल आ जाए तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। साथ में जो हमने भून के रखा था वो भी डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश के लिए, बाकी सब डाल देंगे। उबाल आ गया है, तब हम इसको ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे इसको, बस 2 से 3 मिनट लगेगा। ये देखिए हमारी गाढ़ी हो रही है हलवा। बीच बीच में ऐसे चला के फिर ढक देंगे, ढक के ही पकाएंगे। तो पकते हुए देखिए पूरे 3 से 4 मिनट हो गया ढक के हमने पकाया है। तो देखिए हमारी बिल्कुल रसीली सूजी का हलवा बनके तैयार है। देखिए बिल्कुल सूख गया है पानी, बिल्कुल इतना ही हमें रखना है। सूखने के बाद थोड़ा सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो बस हम इतने पे ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मतलब लास्ट में डालेंगे इलायची का पाउडर, 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारे हलवे को हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये जो हमने काजू बादाम रखा था ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, और ऊपर से हल्का सा घी डाल देंगे। शाइनिंग के लिए डालेंगे घी, हलवा बिल्कुल गर्म है, घी अभी मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा हलवा बनके तैयार है। कैसा लगा मेरा दूध मलाई सूजी का हलवा, दूध मलाई वाला सूजी का हलवा? तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।